अस्सलाम वालेकुम, चैनल जायका दिल्ली 6 में आज हम बनाने वाले हैं चिकन बारबेक्यू। चिकन ड्रमस्टिक भी कहते हैं इसको। हमारे पास ये 6 पीस हैं, बड़े वाले लिए हैं हमने, तो आप चाहें तो इस पे ये जो हमारी बारबेक्यू सॉस है डायरेक्ट ये डाल के आप इसको ओवन में भी सेक सकते हैं, और आप चाहें तो पैन या कढ़ाई में लेकिन फैले हुए से बर्तन में डायरेक्ट सेक सकते हैं, लेकिन अभी हम ये डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे, क्योंकि हमें चिकन को फुल कुक करना है तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा अलग से पकाएंगे। इसमें डाल देते हैं 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और 1/2 टीस्पून हम इसमें डाल देते हैं ये पेपरिका पाउडर। ये हमारी होममेड है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस ये हमने 1/2 टेबल स्पून डाल दी है। इसके अलावा 1 टीस्पून हम जिंजर पेस्ट डाल देते हैं, 1 टीस्पून इसमें हम ये गार्लिक पेस्ट डाल देते हैं, 1 टेबल स्पून ही डाल देते हैं ऑयल इसके अंदर। अब हम इसको कर लेते हैं अच्छे से हाथ से यूं मसाज सा इसके ऊपर, बस यही जाएगा इसकी, ये इसी चीज, बस इतनी सी सीजनिंग करें आप, बहुत अच्छे से मसल लें इसको। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है, इसको अच्छे से यूं फैला दें पूरे में, और बस ये जो हमारे चिकन के पीस हैं हम इसे इसमें रख देते हैं सिकने के लिए, सब पीस आ जाएंगे इसमें बिना एक बूंद भी पानी डाले पकाएं आप इसको। ये जो मसाला है एक्स्ट्रा वो भी हम इसी के ऊपर लगा देंगे, पेपरिका से इसका जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है। मीडियम फ्लेम है, हम इसको स्लो कर देते हैं, 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको स्लो फ्लेम पर। एक पीस पलट कर देखते हैं, ये देखें हम ये सब पीस पलट देते हैं, अभी भी स्लो फ्लेम है हमारा, लेकिन इस साइड हम इसको चेंज करके अब क्या करते हैं, हम इसको कर देते हैं कवर, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा गलाना है। स्लो फ्लेम पर ही इसकी लीड से आप यूं कवर कर दें इसको, और बहुत ज़्यादा ध्यान रखें चिकन बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं छोड़ने पाए, बीच बीच में आप इसको यूं हिलाते रहें और लगे कि चिकन ने ज़्यादा पानी छोड़ दिया है तो फ़ौरन इसकी लीड हटा दें, लेकिन बहुत अच्छे से इसको पकने दें कम से कम 8 मिनट के लिए। ये देखें कवर करने के बाद इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। हमने बीच में इसको 2 बार खोला था और इसको चिकन को अलर्ट और इधर से पलटा था। अब हम इसको मीडियम फ्लेम कर देते हैं, इतना गलाना बहुत ज़रूरी था चिकन को, तो अब इसको हम मीडियम फ्लेम करके एकदम खुश्क करके भून लेंगे, जो कि बहुत ही जल्दी से ये भून भी जाएगा। ये देखें बिल्कुल ऐसा ही कलर हर साइड से इस पर आना चाहिए, वैसे ये गल इतना गया है कि ये खुद ही बोन से अलग होने लगा है आप देख सकते हैं। तो बस मुझे इसको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में ये एकदम करारा भुन जाएगा। ये बहुत अच्छे से भुन गए हैं हमारे सब पीस, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से इनका एक कलर सा आ गया है, बस ये हमें ऐसा ही चाहिए था। ये देखें मसाला भी सब इस पर ही लग गया है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं ये हमारी सॉस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हम सॉस लगा देते हैं इसके ऊपर बिल्कुल इस तरह से, और आप चाहें तो इसी पैन में इसको सेक लें, लेकिन हम इसको सेकते हैं ग्रिल पैन में, चाहता के ग्रिल मार्क्स आए और वो दिखें बहुत ही अच्छे। आप चाहें तो ये सॉस लगाने के बाद आप इसको ओवन में सेक सकते हैं, लेकिन हम इसको आपकी आसानी के लिए पैन में ही सेक कर दिखाते हैं। हर पीस पे इस तरीके से ये सॉस आप लगा लीजिए। तो हम ये पैन रख देते हैं इसके ऊपर, इसको गर्म होने देते हैं। हमने एक साइड लगाया है, जिस साइड लगाया है वो वाली साइड हम इसमें पैन में यूं रख देते हैं ताकि इसमें आ जाए बहुत ही अच्छे से ग्रिल मार्क्स थोड़े डार्क कलर के। हम ये सब रख देते हैं लाइन से ऐसे ही, इस साइड भी लगा देते हैं और फिर इसको पलटते हैं दिखाते हैं आपको। 3 से 4 मिनट हो गई हैं, एक पीस पलट कर देखते हैं। आप इसको पलट दें
ऐसा कलर इस पे जल्दी से ही आ जाएगा। 3 से 4 मिनट लगी हैं, सब पीस पलट देते हैं हम ये। और ये देखें, ये जो हमारे पास पैन है जिसमें हमने इसे सेका था, इसका भी सब जूस और ये ऑयल सब हम इसी पर डाल देते हैं। इधर से भी सिकने देते हैं 2 से 3 मिनट और बस ये है एकदम से तैयार। ये रेडी है, हम इसे निकाल लेते हैं ट्रे के अंदर। ये देखें कितने लाजवाब हमारा ये चिकन तैयार हुआ है। तो बस हम इसे निकाल लेते हैं। इसके अंदर ब्राउन शुगर है इसलिए ऐसा कलर बहुत ही जल्दी से आ जाता है और कलर ये वाला आना भी चाहिए। तो बस हम ये सब निकाल लेते हैं इसमें। ये देखें चिकन बारबेक्यू, चिकन स्टिक बारबेक्यू बिल्कुल तैयार है। ये बनाए हमारे तरीके से बनाए, आपको इसको बना के मजा आ जाएगा और जिसको भी खिलाएंगे बस वो कहेगा कि इसको आप बार बार बनाते रहें। ये बिल्कुल ऐसी डिश है, बस ये आप बना के रख लें बारबेक्यू सॉस और फटाफट से बनाएं। और बारबेक्यू सॉस आपको मार्केट में भी इजीली मिल जाएगी तो आप वहां से भी ले सकते हैं। जरूर बनाएं, हमसे जुड़े, हमारी हौसला अफजाई, हमारे चैनलों को सब्सक्राइब और हमारी डिशेज को लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलें। आप जरूर से बनाएं। अल्लाह हाफिज़।